कोई इमोशनली ब्लैकमेल करके देगा, ठीक है? तो इस चीज को आपने ध्यान रखना। और ये एक चीज की ये साइलेंट रेवोल्यूशन ही हो सकती है, अपने अपने घर के अंदर, अपने घर के साथ में जो रिश्तेदार हैं या लेबर्स हैं। वेरी गुड, आपकी उम्र कितनी होगी? फैक्ट्री, वेरी गुड। कैसे शौक आया सीखने का? क्या करना चाहते हैं? ओके, शी इज प्रिंसिपल ऑफ ए गर्ल्स स्कूल। और जब सद्भावना के प्रोजेक्ट चल रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सेंट्रिक वो लड़कों की तरफ थे। सेंट्रिक फौज की ट्रेनिंग होगी। अगर सोसाइटी को कोई बुलाता है तो उसमें लेडीज का जो योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। घर में जैसा भी माहौल होगा उसके लिए लेडीज का माहौल, क्योंकि हमने अपने घरों में देखा, एक फौजी के घरों में ऐसे है कि फौजी तो नौकरी करता रहता है बाहर, हर एक दो साल में पोस्टिंग होती रहती है, घर को तो सिर्फ वाइफ ही संभालती है या मदर ही संभालती है। और इवन आपकी इधर सोसाइटी में भी जो लेडीज का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, और उसको आपने पकड़ना है, उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना, उसको मजबूती से पकड़ के रखना। बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि घर में आजकल सोसाइटी में ऐसा माहौल हो चुका है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई, मगर उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम। सो ये जो गैप है रिसोर्सेज और एस्पिरेशंस में, सारी प्रॉब्लम वहीं पे क्रिएट होती है। हर एक कोई चाहता है कि मेरे को ज़िंदगी में सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट मिल जाए। अभी जब भूख लगती है हम सबसे पहले क्या चीज़ बना के खाते हैं? मैगी, दो मिनट, ठीक है? तो हर एक चीज़ हमको इंस्टेंट चाहिए। जब इंस्टेंट में नहीं मिलती कोई चीज़ तो क्या होती है? निराशा होती है। ज़्यादातर जितने भी लड़के इस सोसाइटी में अपने सही रास्ते से भटक गए हैं वो इसी के कारण भटके, ठीक है? और